मैं इस वक्त धनबाद झरिया के मोहलबनी मुक्ति धाम में हूँ। आप देख सकते हैं मोहलबनी मुक्ति धाम का नज़ारा, कुदरत का जो कहर है, जो गुरुवार से लगातार जो बारिश हो रही थी उसके कारण झरिया का जो मोहलबनी मुक्ति धाम है वो भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। सबों को भी अब इंतजार करना पड़ रहा है यहाँ पर अपनी बारी का। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा अभी क्या स्थिति है। सर क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुमित बरोटा हुआ। ये कौन सा मुक्ति धाम है? ये मोहलबनी मुक्ति धाम है। क्या कहेंगे अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति तो भयानक है कि लोग जो मृत्यु हो रहा है उनको जलाने के लिए भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जल स्तर इतना बढ़ा हुआ है कि अभी तो हम लोग किसी तरह उसको बचा हुआ जो है, बाकी तो सारे डूब गए, आप देख रहे हैं। एक ही जो बचा है उस पर ही अभी जलाने का व्यवस्था कर रहे हैं। उधर भी पानी बहुत है, कठिनाई का तो सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन अब करें क्या, जो स्थिति है भगवान ऊपर वाला का कहर है। ऊपर वाला का कहर के आगे किसी की नहीं चलती, इनका कहना है। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? बिट्टू पांडा नाम। बिट्टू जी क्या कहेंगे अभी, ये कौन सा मुक्ति धाम है? मोहलबनी मुक्ति धाम है। क्या स्थिति है अभी? स्थिति ये है कि सौ को भी इंतजार करना पड़ रहा है, एक सौ को जलाने में इतनी कठिनाई हो रही है कि दूसरी सौ को इंतजार करनी पड़ रही है जलाने के लिए, और इतनी मतलब जलमग्न हो गई है मोहलबनी घाट की, यहाँ खड़े होने की भी जगह अभी के पर्याप्त नहीं पड़ रही है, यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सौ को जलाने के लिए। सर क्या नाम है? मेरा नाम अनुज कुमार। आप क्या करने आए हैं? अभी जलाने आए हैं। क्या स्थिति है, क्या अभी स्थिति? तो भैया बहुत ख़राब है यहाँ पे, देख रहे हैं। और सब भी जो भी है आपका जलाने वाला जो है व्यवस्था, वो सब भी पूरा जलमग्न हो गई है। जो एक ही जो बचा हुआ है उसी में हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और उसका बारीकी से अपना काम कर रहे हैं। नंबर का पारी से पारी पारी इंतजार करके हाँ, हाँ, ये लोग जो आए हैं इसे किसी न किसी अपनों के सबको जलाने के लिए मोहलबनी मुक्ति धाम पहुँचे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि सब जो पहले आया हुआ वो जलने के बाद हमारी बारी आती है, उसके बाद हम सबको जलाते हैं। आप देख सकते हैं ये एक सेट बना हुआ है जो पूरी तरह जलमग्न है, दूसरा सेट जो बचा हुआ है उसमें किसी तरह लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं सबों का। ये सब भी देख लीजिए, पार्क का रूप दिया गया था नगर निगम के द्वारा, वो भी पूरी तरह डूबा हुआ है। कुदरत का कहर के आगे किसी की नहीं चल रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन करें भी तो क्या, अंतिम संस्कार भी जरूरी है। धनबाद से लगातार न्यूज के लिए रंजीत सिंह की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।